हाय एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्यूज। मैं हूं काशवाली और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवाइड एंड फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा हुआ है 7772 डिवाइडेड बाय 58, उसके बाद है 65648 डिवाइडेड बाय 300, उसके बाद है 47 डिवाइडेड बाय 1000। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला है वो यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, 58, ये जो डिवाइजर है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो डिवाइडेंड है वो 7774 यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, तो अभी क्या करना है, सबसे पहले मैंने मतलब कि हमें यह देखना है कि जो फर्स्ट का इसका जो मतलब कि डिजिट है वो इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं। नहीं, क्योंकि ये जो है 7 वो इससे छोटा है। अच्छा, तो यहाँ पर देखेंगे 77, जी बिल्कुल ये इससे डिवाइड होगा क्योंकि ये इससे ग्रेटर है, ये जो डिवाइज़र है। तो यहाँ पर 58, अच्छा 58 की हमने एक बार लगाई, अगर सपोज करें 58 जो है उसकी टेबल हम दो बार लगाते तो ये जो आंसर है वो हो जाता 116। तो 58 विच विल बी, अच्छा यहाँ पे 17 से 8 माइनस करेंगे तो 9 जवाब आएगा, 6 से 5 1। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया अभी तक वो आया 9। अच्छा, अभी ये 7 जो है यहाँ पे रखेंगे, अभी 58 की टेबल 197 पे लगानी है। तो 58 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 116। आई होप 58 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पे हम करके देखेंगे, 58 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 3 24, 5 3 15, 15 प्लस 2, 58 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 174, एंड 58 मल्टीप्लाई बाई 4 देखते हैं, 8 फॉर द 32, 5 फॉर द 20, 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। यहाँ पे 58 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 232। तो हमें यहाँ पे 58 की तीन बार जो है वो टेबल लगानी है, 58 3 द ये हो गया 174। तो अभी इसको हम करेंगे माइनस, अच्छा यहाँ पे 7-4 इज इक्वल टू 3, 9-7 इज इक्वल टू 2, 1-1 इज इक्वल टू 0 जो हम लिखेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे जो लास्ट जो यहाँ पे डिजिट है वो हमें यहाँ पे रखना है। तो अभी हमें इस पे टेबल लगानी है 58 की, 58 मल्टीप्लाई बाई 4 देखते हैं, 8 फोर द 32, 4 फाइव द 20, 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। तो 58 की जो इस पे टेबल गई वो गई 4 टाइम, 58 फोर द यहाँ पे 232। तो इसका जो रिमाइंडर आया वो आया 000, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, और इसका जो क्वेश्चन आया यानी कि जो आंसर आया वो आया 134। तो अभी इस पे चलते हैं, 65648 ठीक है डिवाइडेड बाय 300। तो यहाँ पे अच्छा 65648 डिवाइडेड बाय 300। तो अब 300 को देखेंगे, 6 जो कि छोटा है 300 से, अच्छा 65 ये भी छोटा हो गया, 656 ये इससे ग्रेटर है। तो अभी इसकी टेबल जो है 300 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो आता है वो आता है 600। 300 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आंसर होगा। अच्छा, तो यहाँ पे 300 ये 2 द ये हो जाएगा 600। 6 से अगर 0 माइनस करेंगे 6, 5 से माइनस करेंगे 0, 5 6 से 6 माइनस करेंगे 0। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो डिजिट है यहाँ पे आएगा क्योंकि इन पे टेबल लग चुकी है, तो ये 564 हो गया। तो 300 की अगेन एक दफ़ा जो है वो टेबल लगाएंगे, क्योंकि अगर हम 300 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो 300 अच्छा यहाँ पे देखेंगे 4 माइनस 0 अगेन 4, 6 माइनस 0 6, 5-3 इज इक्वल टू 2। अभी ये जो लास्ट डिजिट है वो हमें यहाँ पे रखना है। अभी देखना है कि 300 की जो टेबल है वो मतलब कि 2648 पे कितनी दफ़ा जाती है। अच्छा, यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई बाय अगर 6 करें, 6 0 0, 6 0 0, 6 3 18, अच्छा तो ये 1800 आया। अभी हमें इससे ग्रेटर जो नंबर है वो एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे 300
मल्टीप्लाई बाय 9, 39 द यहाँ पे जीरो सॉरी यहाँ पे 90 द 0, 90 द 0, 93 द यहाँ पे 27, यहाँ पे 2700 आया विच इज़ ग्रेटर देन 26 एंड 48। अच्छा तो यहाँ पे 300 को लास्ट टाइम हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 8 से, 80 द 0, 80 द 0, 83 द यहाँ पे 24, तो ये जो है वो सेटेबल है इसके लिए। अच्छा 300 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू यहाँ पे 2400, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 248। अच्छा तो ये जो हो गया इसका क्वेश्चन और ये जो है इसका रिमाइंडर है। तो अभी आगे चलते हैं यहाँ पे 18,047 डिवाइडेड बाय 1,000, तो इसको देखेंगे। अच्छा यहाँ पे 18,047 डिवाइडेड बाय 1,000, तो 1,000 को 18,047 जो है डिवाइड करेगा वो यहाँ पे 18 जो है वो इससे ऐसा समझेंगे छोटा है, 180 भी इससे छोटा हो जाएगा, 1804 जो है वो इससे ग्रेटर है, तो 1000 की इस पे 18 मतलब कि 100 पे एक दफ़ा टेबल जाएगी 1000। यहाँ पे हम करेंगे इसको माइनस सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे जो आंसर है वो ये आया। अच्छा यहाँ पे 7 जो है वो लास्ट में, तो 8047 पे ये जो 1000 है इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8000 आंसर हो जाएगा, अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9000। तो ये यहाँ पे 1000 को 8 से मल्टीप्लाई करना है बेहतर रहेगा, तो ये जो आंसर आया 8000। यहाँ पे जो रिमाइंडर 7 से अगर माइनस किया जाए 0 तो यहाँ पे 7, 4 से अगर 0 माइनस करें तो अगेन 4, 0 से 0, 0 एंड 8 से 8 माइनस करें 0, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो आया 47 और जो क्वेश्चन आया वो आया 18। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर रिगार्डिंग दिस कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।